एक राज्य एक राजधानी गैरसैंण को लेकर पहाड़ी आर्मी संगठन ने राज्य निर्माण में उत्तराखंड के लोगों की अहम भूमिका बताते हुए सरकार पर आरोप लगाया है। नगर निगम के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नवगठित पहाड़ी आर्मी के संयोजक हरीश रावत ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी और पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार को बने 21 साल हो गए हैं और इस वक्त में किसी भी सरकार ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की जगह जनता के साथ विश्वासघात किया है और अब पहाड़ी आर्मी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर संघर्ष करेगी। पहाड़ी आर्मी ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के पीछे पहाड़ का असली विकास बताया है। उनका कहना है कि एक बार राजधानी गैरसैंण बन जाने के बाद पहाड़ों की सड़कें, रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सभी बुनियादी जरूरतों को लेकर सरकारी सिस्टम इस दिशा में कार्य करेगा, जिससे राज्य के लोगों को पहाड़ी राज्यों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। पहाड़ी आर्मी हमारे उत्तराखंड के जो शहीद है, जिन्होंने शहादतें दी है, उन लोगों की एक सोच है कि पहाड़ को बचाने के लिए उन्होंने शहादतें दी है। और बारी बारी से उत्तराखंड के राज्य में जो भी राजनीतिक दल आए, उन्होंने गैरसैंण की राजनीति पे सिर्फ चूरन चटाया हमारे प्रदेशवासियों को। किसी ने भूमि पूजन किया, किसी ने शिलान्यास किया, किसी ने बिल्डिंग बनाई है और किसी ने अभी समर कैपिटल बना दी, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पहाड़ के जनता के साथ छलावा है। तो हम चाहते हैं कि राज्य की अवधारणा जो है, राज्य का जो गठन हुआ है, वो पहाड़ के लिए हुआ है, पहाड़ी सोच के साथ हुआ है। तो पहाड़ की राजधानी अगर पहाड़ में होगी तो पहाड़ में रोजगार भी पैदा होगा, अलग थोड़ा ना हो जाएगा। किस तरीके का आंदोलन आप करने जा रहे हैं? ये पूरे मामले को लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है हमारी, 1 तारीख से हम लोग समाज के बीच में, जनता के बीच में, पहाड़ के लोगों के बीच में जनमत संग्रह कराएंगे गैरसैंण राजधानी को स्थायी के लिए। नुक्कड़ सभाएं करेंगे, जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। लगभग 4 तारीख तक हल्द्वानी एरिया में ये रहेगा। उसके बाद 5 तारीख को शहीद दिवस, उत्तराखंड का शहीदी दिवस कुमाड़ सल्ट में शहीदों की शहादत जहाँ पर हुई थी 1942 में, वहाँ से हम संकल्प लेंगे ये। और उसके बाद लगातार पूरे उत्तराखंड में लगातार कंटिन्यू चलेगा, जिसमें जन जागरूकता अभियान, जन आक्रोश रैली, मैराथन और उत्तराखंड के पूरे युवाओं को इकट्ठा करेंगे और नई क्रांति के साथ हम अपनी राज्य की राजधानी लेके रहेंगे। कि हमारी जो राज्य जो बना था, ये राज्य उत्तराखंड राज्य, पर्वतीय राज्य, जिस उद्देश्य के लिए बना था, यहाँ के प्रतिनिधियों ने उसको भुला दिया और आज जो है 21 साल हो गए राजधानी नहीं बनी। जो आत्मा होती है किसी राज्य की, जो आत्मा होती है वो वहाँ की राजधानी होती है और यहाँ के मुखिया जो है उसकी सुध नहीं लिए। तो अब जो है हमारा संघर्ष संगठित रूप से, करीब 40 लोगों के ऊपर गैरसैंण में मुकदमे हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ। हमने लगातार जो है अब इस संघर्ष को पहाड़ी आर्मी एक संगठित रूप से पूरे उत्तराखंड को संगठित करते हुए हर जिले जाएगी, पूरे कुमाऊं में। प्रथम चरण में हम पूरे कुमाऊं में जनमत संग्रह करेंगे, एक एक व्यक्ति से उनकी राय लेंगे गैरसैंण के ऊपर। एक साधारण सवाल, एक सामान्य सवाल लेकर के कि भाई आपने उत्तराखंड राज्य बनाया, आपकी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आपके मुख्यमंत्री 20 साल लगा दिए, 21 साल लगा दिए, तो आप क्या कहते हैं इस राय, इस सवाल को लेके एक एक लोग, एक एक जनता, एक एक नौजवान, एक एक माता बहनों के पास जाया जाएगा। और फिर जो है ये मुख्यमंत्री और तमाम राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को सौंपा जाएगा कि आपकी जनता ये कह रही है, आप क्या सुन रहे हो हमें नहीं पता। यहाँ के खेतों की हालत ये हो गई, सुअर बंदर जो है उनका आतंक हो गया है।